हेलो आन वेलकम टू डिफेंस मेनिया आज मैं एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे हाजिर हुई हूँ वी हैव स्टार्टेड रेड बुल सरीज ठीक है यहाँ पे आप मुझे प्लीज़ गंदे वाले कमेंट मत करना कि बुल की स्पेलिंग रॉन्ग है ये है वो है कॉपीराइट ना आए इसलिए आई हैव इंटेंशनली डन दिस थिंग ठीक है सो बेसिकली वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ़ सी डी एग्जाम एग्जाम इज़ वेरी नियर एंड आई जस्ट होप कि ये क्वेश्चन आपके सी डी एस प्रपरेशन में बहुत हेल्प करें दीज आर बेसिकली टॉपिक्स जो कि करंट अफेयर्स में नोटेड थे इन द ईयर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है आई हैव ऑलवेज सेड इन माई प्रीवियस लेक्चर्स मेरे करंट अफेयर सीरीज में अगर आपने नहीं देखे तो इस आई बटन पर अभी क्लिक करो और सारी सीरीज को देखो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डी एग्जाम्स में भी पूछे गए थे आई होप सीरियस में भी पूछे जाएंगे ठीक है नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वॉच दैट और देख लिए है तो प्लीज़ रिवाइज दैट देर आर टेन मोर देन टेन वीडियोज़ तो हो सकता है आपने लॉन्ग गैप पे देखे हो आपको चीज़ें याद ना हो तो गो एंड विजिट देयर एंड रिवाइज द सेशन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे स्टैटिक जीके को करंट अफेयर से हमेशा मैंने बोला है अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ में अपने इंटरव्यू वीडियोज़ में और कैसे करना है आई टेल यू इन दिस वीडियो सीरीज दिस विल गिव विंग्स टू योर प्रेपरेशन ठीक है तो विदाउट एनी डिले लेट्स बेगन स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू हमने सी डी एस क्रैश कोर्स जो हम अभी चला रहे हैं उसमें मैथ्स की जो मैराथन क्लास और जो कि क्रैश कोर्स की क्लास होगी लाइव हर सुबह सुबह आठ बजे आपको देखनी है दैट विल बी ओपन ऑन यूट्यूब ठीक है अवनेश सर हमें कराएंगे ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी ठीक है उनके साथ आप अपना स्कोर बूस्ट करोगे कैसे टिप्स और ट्रिक, ट्रिक्स के साथ एडवांस मैथ्स को सॉल्व करती हैं वो आप जानोगे ठीक है एक्सेप्ट ओटीए गाइस आप सबको ये मैथ्स की क्लास जरूर जरूर अटेंड करनी है सुबह मॉर्निंग एट ओ क्लाक एंड प्लीज़ ट्राई टू बी लाइव ठीक है रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल ही जाएंगे ठीक है रिकॉर्डेड सेशन सारे मिल जाएंगे बट ट्राई टू बी लाइव ताकि आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएं ठीक है फिर आप कॉमेंट करते रहोगे सर ये क्या हुआ वो क्या हुआ तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा तो बेटर अर्ली मॉर्निंग है आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे एंड हमारे एक्चुअल कोर्स सीडीएस कोर्स की बात करें क्रैश कोर्स की बात करें जो कि हमारा लाइव प्रोग्राम है सेवन वीक्स का सेवन वीक्स में हर वीक हम एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं और उनको लाइव पढ़ाते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एंड ऑल इन ऑल पूरी सीरीज़ uh, को हम इस तरह से चलाते हैं लाइव अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डू नॉट वेट ज्वाइन नाउ एग्ज़ाम बहुत नियर है दिस विल इन्हांस योर प्रिप्रेशन अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है दिस इज इन्हांस योर रिविजन अगर आपने सिलेबस कम्प्लीट कर लिया है दिस इज मस्ट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये ओपनली अवेलेबल नहीं होगा इसके लिए यू हैव टू डाउनलोड डिफेंस मे इंडिया ऐप उसमें हमारे सी डी एस के कोर्सेस के साथ दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स ठीक है डिफेंस मेनिया ऐप के बारे में बता दूँ दिस इज़ दी इंडियाज मोस्ट पॉकेट फ्रेंडली एप एंड इट इज़ अमंगस्ट हाईली रेटेड एजुकेशनल एप्स ठीक है हाईली रेटेड एजुकेशनल ऐप्स विद इलेवन हंड्रेड प्लस रिव्यूज आपको मिल जाएंगे यू कैन गो दर एंड रीड द रिव्यूज़ आपको हम टेन थाउजेंड प्लस स्टूडेंट का ट्रस्ट है हमारे साथ जो कि हमारे प्राइम मेम्बर्स रह चुके हैं एंड वी हैव हाईली एक्सपीरियंस ट्यूटर्स आई माई सेल्फ हैव क्लियर एफ कैट सी डी एस इंडिविजुअली फोर टाइम्स ठीक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी आर नॉट एनी कोचिंग अकेडमी बट वी आर टूगैदर अ टीम अ कॉम्युनिटी ऑफ डिफेंस एस्पायरेंट्स ठीक है तो आप को भी इफ यू आर अ डिफेंस एस्पायरेंट अ ट्रू डिफेंस एस्पायरेंट देन यू मस्ट जॉइन अस यू मस्ट जॉइन अस प्लीज चेकआउट एट गूगल प्ले स्टोर ठीक है डिफेंस में इंडिया एंड नाउ वी विल गेट बैक टू आर ओरिजिनल सीरीज जो ये रेडबुल सीरीज़ है एनर्जी सीरीज भी आप इसको बोल सकते हो स्टार्टिंग विद लिंगराज टेम्पल टेम्पल दिस वॉज अ न्यूज़ ये हिस्ट्री से आप इसको रिलेट कर सकते हो ठीक है दिस वॉज अ न्यूज़ तो हम इसके बारे में जान लेते हैं इट वॉज़ बिल्ड इन इलेवेंथ सेंचुरी ए डी ठीक है इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा ओके दिस इज़ दार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द सिटी भुवनेश्वर ये कहाँ पे है दिस इज दिस इज़ एन ओडिशा ठीक है इट इज़ बिलीव टू हैव बिन बिल्ट बाई सोमवंशी किंग यति वन ठीक है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी डी एस आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो यू कैन रिलेट स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड देन वी वांडर कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं कैसे प्रिपेयर करें कौन सी बुक से पढ़े कोई भी बुक से नहीं पढ़ना है सिर्फ यहाँ से पढ़ना है करंट अफेयर्स को रिलेट करके पढ़ना है ठीक है थोड़ी और आर्किटेक्चर की बात करूँ तो इट इज़ बिल्ड इन रेड स्टोन दिस इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ठीक है प्रोसाइडिंग डी टी इसमें हरी हरा रहे हैं एंड द अदर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन योर इज़ बिंदु सागर लेक ठीक है आपको बिंदु सागर लेख के बारे में भी पूछा जा सकता है ठीक है दिस वॉज ऑल अबाउट लिंगराज टेम्पल लोकेशन कहाँ है भुवनेश्वर उड़ीसा में ठीक है इसमें कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट होता है जिसमें पेंटिंग्स पूछे जाते हैं जिसमें टेम्पल्स के बारे में पूछा जाता है वो उसके मोर देन फाइव क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सी से ठीक है नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर रोप ठीक है यहाँ पे रोप वे की बात कर रहे हैं रिवर पे कौन सा है ये है ब्रह्मपुत्र रोप वे ओके आसाम गवर्नमेंट ने ये इनोग्रेट किया है लेंथ पूछी जाती है दिस इज 1.8 पॉइंट एट किलोमीटर्स ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर ठीक है इट कट्स ट्रैवल टाइम बिटवीन टू बाइंस टू एट मिनट्स ठीक है प्रेजेंटली थर्टी मिनट्स लगते हैं और मोर क्योंकि यहाँ पे फेरी से जाना पड़ता है और फिर एक घंटा रोड से जाना पड़ता है तो यहाँ पे जो रोप वे है सिर्फ एट मिनट्स में ये पूरा रास्ता कवर करेगी एंड इट विल प्रमोट द टूरिज्म ऑफ द स्टेट ठीक है इसी की तरह आप ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को स्टडी कर सकते हो ये न्यूज में चल रहा है ठीक है इसकी सारी ट्रिब्यूटरी सोर्स लेंथ सब आप स्टडी कर सकते हो दिस इज दी हाईली एक्सपेक्टेड हमारी जोग्राफी के क्रैश कोर्स सीरीज़ जो हमारा अभी चल रहा है जोग्राफी ऑलरेडी कवर हो चुका है उसमें हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है पूरा सिस्टम है ना अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जॉइन नाउ देर मत करो एक महीना भी नहीं है अब सी का सिर्फ क्रैश कोर्स से भी पढ़ लोगे ना आई गारंटी यू आपका जी क्लियर हो जाएगा आई रियली गारंटी यू क्योंकि मैंने सबको पढ़ा के इंडिविजुअली लाइव क्लास लेके लास्ट दिन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड स्टूडेंट्स हैव नोटेड कि उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ठीक है तो डू नॉट वेट फॉर सिंगल सेकेंड ठीक है वी आर दी मोस्ट इंडियाज मोस्ट हाईली पॉकेट फ्रेंडली एप ठीक है तो आप बिल्कुल भी डिले मत करना सेकेंड थिंग इज़ पोलिकली ना वॉट इज़ पोलिकली ये टर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्या बेसिकली दिस इज रिक्रिएशनल फॉक आर्ट ठीक है एंड कलरफुल पार्ट ऑफ ओनम सेलिब्रेशन कहाँ केरला में ठीक है ये जो आ, ये इंट्रोड्यूस किसने किया था ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन थ्रिसूर बाई शकथन तम्पुरान ठीक है टू सेंचुरीज अगो पुलिकली इज रिलेटेड टू केरला वॉट इट इज दिस इज रिक्रिएशनल फो फोक आर्ट ठीक है ये इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट मधुबानी पेंटिंग्स मधुबानी का लिटरल मीनिंग जो होता है ना वो होता है फॉरेस्ट ऑफ हनी ठीक है फॉरेस्ट ऑफ़ हनी ये कहाँ पे आता है ये मगध इलाके के पास आता है कहाँ पे यूपी बिहार के तरफ ठीक है ये अभी न्यूज़ में था बिकॉज इसको जीआई टैग मिला है मधुबानी पेंटिंग्स को दिस वॉज दी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिए हैं आप वहाँ से एक भी मार्क्स मिक्स नहीं मिस नहीं करोगे नेक्स्ट कर्नल चेवांग रिंसन ठीक है ही वॉज वन ऑफ द टॉप लीडर्स फ्रॉम लद्दाख ठीक है इनके नाम पे एक ब्रिज नेम किया गया है ठीक है किनके नाम पे ही इज कर्नल चेवांग रिंचेन ब्रिज कौन सा है दिस इज डी एस डी बी ओ डारबुक शौक डौलाट बैग ऑल्डी रोड इन लद्दाख ठीक है लेंथ इसकी है टू फिफ्टी फाइव किलोमीटर्स दिस इज ऑल वेदर रोड इट इज बिल्ट बाई बी आर ओ बॉर्डर एंड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ये लेह को बेसिकली दौलत बैग ओल्डी से कनेक्ट करेगा और डीबीओ जो ये है ठीक है डीबीओ है वो वर्ल्ड का हाइएस्ट एयर स्ट्रिप है ठीक है तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको रिलेट करके आप पढ़ सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट इस चैलेंजर डीप चैलेंजर डीप में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि काथी सुलिवान ही इज़ दी फर्स्ट वुमेन एंड द फिफ्थ पर्सन इन हिस्ट्री मीन्स चार मैन ने ऑलरेडी ये चीज़ कर चुकी है एंड शी इज़ दी फर्स्ट वेमेन टू डू सो क्या किया है उन्होंने उन्होंने चैलेंजर डीप को डिस किया है अब बात आती है चैलेंजर डीप कहाँ पे है एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है इनके नाम पे. वो इज़ दी फर्स्ट वेमेन टू डू चैलेंजर डीप ठीक है ये आ सकता है दूसरा क्वेश्चन आ सकता है लोकेशन ऑफ दिस चैलेंजर डीप उनकी लोकेशन है यहाँ पे पहले तो ये बता दूँ चैलेंजर डीप क्या है दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ ठीक है डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ कहाँ पे है मेरियाना ट्रेंच पे है ठीक है मेरियाना ट्रेंच कहाँ पे है दिस इज इन मेरियाना आईलैंड दिस इज नियर मेरियाना आईलैंड कहाँ पे वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ठीक है दिस इज द साउथ एंड ऑफ मेरियाना ट्रेंच तो लोकेशन याद रख लो नाम याद रख लो यू विल बी डन विद योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट माउंट ब्लैंक अब ये क्या है दिस इज दी सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन इन द यूरोप आफ्टर माउंट एल्बोरस ठीक है एक चीज़ आपको पता चल गई हाइएस्ट माउंटेन कौन सा है माउंट एल्बोरस यूरोप कॉन्टिनेंट का सेकेंड भी पता चल गया माउंट ब्लैंक है ठीक है माउंट ब्लैंक एंड इट इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन इन एल्प्स एंड वेस्टर्न यूरोप ठीक है ये बात करें फिर माउंटेन स्टैंड इन द रेंज कॉल्ड ग्रेरियन एल्ब्स ठीक है ये अभी न्यूज में था तो इसके बारे में जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन आ सकता है दिस ग्रेरियन एल्ब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई लोनर लेक इज पिंक ठीक है सबसे पहले लोनर लेक के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जान ले कि इट इज़ ओनली नोन हाइपर वेलोसिटी मैटरॉइट क्रेटर इन बसाल्टिक रॉक एनी ऑन अर्थ ठीक है ये मेटियोर गिरने की वजह से ये लेक बेसिकली बना है दिस इज द क्रेटर लेक ओके दिस इज द क्रेटर लेक ये लोनर लेक के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अब ये पिंक क्यों टर्न कर रहा है इसका रीज़न है ड्यू टू लार्ज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट लविंग हालारोर्जिया माइक्रोब्स ठीक है ये जो हालारोर्जिया या तो हेलोफिलिक आर्चिया है दिस इज द बैक्टीरिया कल्चर विच प्रोड्यूस पिंक पिगमेंट एंड फाउंड नियर दी वाटर सैचुरेटेड विद सॉल्ट ठीक है फर्स्ट रीजन कुड बी कि यहाँ पे रेनफॉल की कमी की वजह से लोनर लेक के आसपास ठीक है और कंटिन्यूस एवोप्रेशन की वजह से बिकॉज दिस कम्स इन ट्रॉपिकल एरिया ट्रॉपिकल सेमी ट्रॉपिकल एरिया कंटिन्यूस एवोप्रेशन की वजह से और लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से देर इज़ हाई सैचुरेशन ऑफ वॉटर विथ सॉल्ट और इस सॉल्ट की वजह से इन बैक्टीरिया का कल्चर वहाँ पे बढ़ रहा है हेलोफिलिक बैक्टीरिया जो कि है हेलो आर्किया उनका कल्चर बढ़ रहा है एंड दे प्रोड्यूस दिस पिंक पिगमेंट उसकी वजह से जो लोनर लेक है वो पिंक टर्न हो रही है ठीक है लोनर लेक इज़ ग्रेटर लेक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट नेक्स्ट इज साइक्लोन निसर्ग साइक्लोन के बारे में आप एक साल में जो एक बार पेपर होता है ना किसी भी दोनों में से एक पेपर में साइक्लॉन के बारे में आपसे पूछा जाता है ठीक है वेस्टर्न कोस्ट में ये आया था नॉर्थ महाराष्ट्र नॉर्थ साउथ गुजरात की तरफ दिस इज़ साइक्लॉन निसर्ग ठीक है एक और चीज़ है जो है क्रिस्टोबाल ये क्या है क्रिस्टोबाल दिस इज बेसिकली ट्रॉपिकल स्टॉम है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको की, की तरफ आया था दिस इज ट्रॉपिकल स्टॉम ट्रॉपिकल स्टॉम में से क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंस बिटवीन साइक्लॉन हरिकेन और टाइफून ठीक है इस कॉन्सेप्ट को मैंने जोग्राफी के सी के क्रैश कोर्स में जो कि हमारे कोर्सेज के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उसमें पूरा डिटेल में कराया है क्वेश्चन यहीं से आएंगे ठीक है एक्सपेक्टेड वन तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन बूस्टअप कर सकते हो सो दिस इज़ द एंड ऑफ आर वीडियो होप यू लाइक डिट ठीक है दिस इज वॉज द फर्स्ट वीडियो तो यहाँ पे हमने उसको शॉर्ट एंड कंसाइज बनाया है नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ा देंगे और नंबर्स को भी बढ़ा देंगे हिट द लाइक बटन एंड कीप ऑन कंटिन्यूइंग योर प्रैक्टिस योर रिविजन ऑफ सी डी एस क्लासेज आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सीरीज टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद